हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज बनाऊंगा मैं क्रिस्पी फिश येलो बीन सॉस। ये लिया मैंने येलो बेल पेपर, इसको मैं फिंगर कट में काटूंगा। इसी तरह रेड बेल पेपर भी काटूंगा। फिंगर कट में चार पीस ड्राई रेड चिल्ली, चॉप गार्लिक और चॉप जिंजर लिया है। ये मैंने 12 पीस लिए है। अब इसको मैं फिंगर कट में काटूंगा, ना ज़्यादा मोटे होने चाहिए ना ज़्यादा पतले होने चाहिए, ठीक इसी साइज से। मैंने 10 पीस लिए हैं टोटल। चलो दोस्तों अब मैरिनेशन करते हैं। अब इसमें गार्लिक जूस ऐड किया, वन बाई टू टेबल स्पून चिकन ब्रोथ, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून चिल्ली पेस्ट और अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून येलो बीन सॉस, इसको भी बढ़िया से मिक्स करेंगे। अब इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो दोस्तों हमारा ऑयल तैयार है। अब इनको हम डीप फ्राई करेंगे। पीस को एक एक करके ही डालें और आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी फिश कितनी क्रिस्पी और कितनी बढ़िया फ्राई हो रही है। फिश को ज़्यादा नहीं, 2 मिनट ही पकाएं। तो चलो दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल, ड्राई रेड चिल्ली 4 पीस, जिंजर गार्लिक चॉप ऐड किया और अच्छे से टॉस करेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून येलो बीन सॉस ऐड किया और अच्छे से टॉस करेंगे, भुनेंगे बढ़िया से। 1 टेबल स्पून चिल्ली पेस्ट, 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस, 1 टेबल स्पून चिकन ब्रोथ, 1 टेबल स्पून सॉल्ट और हल्का सा शुगर और हल्का पानी ऐड किया और बढ़िया से पकाएंगे। 1 टेबल स्पून गोला हुआ कॉर्नफ्लावर। अब इसमें चाइना कैबेज रेड येलो पेपर ऐड करेंगे और वेजिटेबल्स को ज़्यादा नहीं पकाना है और हमने फिश ऐड किया और अच्छे से टॉस करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्रिस्पी फिश येलो बीन सॉस तैयार है। दोस्तों कैसा लगा, लाइक कमेंट्स ज़रूर करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। और ऊपर से जूलियन कट में स्प्रिंग अनियन।